बहुत ही सुंदर, और कितने बड़े स्तर पे पानी अभी छोड़ा गया है आप देख सकते हो, और सामने आप देखिए कैसे किस तरीके से उबाल माल रही है पानी, मतलब पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो ना तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। नज़ारा बहुत ही अच्छा है और मन ऐसा कर रहा है कि यहीं पर एक आध दो घंटा बैठ जाए। वैसे आते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ इधर, और इधर ही मैं मेरा घूमने का टाइम होता है, क्योंकि अभी जैसा आप देखोगे तो माहौल काफ़ी अच्छा है, शांत माहौल है, तो बहुत अच्छा लगता है इन सारी जगहों पे घूमना। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। अभी जो है मैं मॉर्निंग टाइम में हूँ और मॉर्निंग वॉक में थोड़ा सा निकला हूँ घूमने के लिए। सो नज़ारा काफ़ी बेहतरीन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे आपको नहर दिख रही होगी, और ये गाँव का थोड़ा सा दूर वाला जो है रास्ता है, और देखिए यहाँ पर पक्षियाँ जो है कैसे किस तरीके से चहक रही हैं पेड़ों पे, उनकी जो है घर बनी हुई है और बहुत ही सुंदर एक घर दिख रही होगी आपको शायद। तो ये है नज़ारा, और मैं देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अभी मेरे आवाज़ से इन लोग चहकना बंद कर दी है, और काफ़ी सुंदर माहौल है। इसी तरीके से मैं कुछ सुबेरे सुबेरे के लिए थोड़ा सा फिटनेस और थोड़ा हेल्थ के लिए जो है ठीक रहता है तो मॉर्निंग वॉक में निकल जाता हूँ, कुछ ऐसी जगह घूमता हूँ जहाँ थोड़ा सा मन अच्छा बने रहे, मतलब आसपास की जगहों पे जैसे खेत वगैरह है तो उस वाली जगह पे घूमना अच्छा लगता है रोड में घूमने के बजाय। और ये नहर काफ़ी टाइम से भी चल रही है, पानी छोड़ा गया है किसानों के लिए, और फिलहाल अभी बारिश उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। बारिश पहले हुई थी, एक हफ्ते पहले काफ़ी बारिश हुई थी, तो अभी थोड़ा सा बारिश जो है थम चुका है, तो पानी छोड़ा गया। इधर देखो छोटी छोटी नालियों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हर जगह पे एक पॉइंट निकाल दिया जाता है ताकि और खेतों में और दूर दूर जगहों पे ये जा सके। तो कुछ इस तरीके के सामने का कुछ चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो एक पुल बनी हुई है पानी स्टॉपेज के लिए, तो लेके चलता हूँ कि किस तरीके से है ये पुल। तो अभी जो है हम पहुँचे हुए हैं नहर पे, और ये नहर का जो है पुल बना हुआ है स्टॉपेज के लिए, पानी को रोकना होगा छोड़ना होगा तो उसके लिए ये पुल बनाया जाता है। तो ये पुल किस तरीके से वो देखते हैं हम। सो सामने आपको सीढ़ी दिख रही होगी, ये इधर और कुछ है तो थोड़ा सा बाद में देखेंगे, सबसे पहले आप पानी देखिए, पानी कितने ज़बरदस्त तरीके से अभी उबाल माल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो एक जगह बनी हुई है यहाँ आने जाने के लिए, छोटा सा रास्ता है इधर से, और पानी आप देखिए बहुत ही सुंदर, और कितने बड़े स्तर पे पानी अभी छोड़ा गया है आप देख सकते हो, और सामने आप देखिए कैसे किस तरीके से उबाल माल रही है पानी, मतलब पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो ना तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पानी बहुत तेज़ी से निकलती है और निकलने के बाद वो रिटर्न लेती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये पानी उबल रही है अभी, है ना, उसके बाद पानी क्या हो रहा है आगे जाने के बजाय फिर से वो पीछे की तरफ आ रही। तो इधर से मैं वो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये गेट का जो है गॉटर बोलते हैं इसको, स्टॉपेज के लिए लगाया जाता है, और ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग जगहों पे बने हुए हैं। सो पानी जो है वहाँ से आ रहा है, जैसे कि एक छोटा पुल आप देख रहे होंगे, तो वहाँ से पानी इस तरफ जो है आ रहा है पीछे की तरफ, मतलब उस तरफ से आके इस तरफ जो है पानी जा रही है। तो क्या होता है कि ये स्टॉपेज जो है वो स्टॉप करके रखती है पानी, कम छोड़ना हो ज़्यादा छोड़ना हो इसके लिए। वैसे आप जानते होंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे और खंड बने, मतलब छः खंड बने हुए हैं लगभग, और सब में इसी तरीके के जो है गेट्स खोले हुए हैं, इसी को जो गेट बोलते हैं इसी को जो है खोला जाता है जब पानी आती है। तो सो कुछ इस तरीके का भी जो है यहाँ का नज़ारा है। सो गाइस, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये नहर तो आपको दिख ही रही होगी, और पानी कितने ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, अभी काफ़ी स्तर पे अभी पानी खोला गया है, और देखो अब कैसे किस तरीके से उबाल मार रही इधर। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, और अभी जो है थोड़ा सा क्या है खेतों के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी वजह से ये सारे गेट्स खोले गए हैं, और ये पहली बार हुआ है कि सारे गेट खुले हुए हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, एक गेट खुलती थी, दो गेट खुलती थी, ज़्यादा नहीं खोला जाता था पानी, लेकिन पानी अभी जो है काफ़ी बड़े स्तर पे खोला गया है। सो ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर में जो नज़ारा होगा वो कैसे होगा।
तो ये बना हुआ है सीढ़ी जहाँ पे मैं चढ़ रहा हूँ अभी, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और यहाँ से जो नज़ारा देखने वाले हैं वो आप देखिएगा। तो ये अभी ऊपर आ गए हम, जैसा कि देख पा रहे होंगे ये ऊपर का है। ये जो आपको रॉडें जो दिख रही होगी बड़ी बड़ी, ये गेट की सेटिंग्स के लिए लगाई गई हैं, बहुत सारी लगी हुई हैं। आप देखोगे तो 6-7 लगभग लगी गई हैं, जो कि गेट को ऊपर करने के काम आती है। सो उसके लिए ये जो है ऊपर भी ये सारी चीज़ें जो है कंस्ट्रक्शन की गई है, जैसे कि आपको चैनल्स वगैरह दिख रहे होंगे इस तरीके से आप देखिए। और ये पीछे है जहाँ मैं अभी आपको वीडियो दिखा रहा था पीछे, जैसा कि वो नीचे सेकंड फ्लोर मान के चलो, मेरा जो अभी बोलने का जो तरीका है उसके हिसाब से, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी। सो इधर आप देखिए अभी जो है धान की फसल लगी हुई है, और धान की फसल में काफ़ी सारे यहाँ किसान भाई हैं जो कि धान की ही फसल लगाते हैं, और धान की फसल में इस टाइम में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो पौधा जो रोपने का टाइम तो है ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ी सी बढ़ जाती है धान, तो बढ़ती है तो फिर पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो उसके वजह से ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा जाता है। नज़ारा बहुत ही अच्छा है, और मन ऐसा कर रहा है कि यहीं पर एक आध दो घंटा बैठ जाए। वैसे आते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ इधर, और इधर ही मैं मेरा घूमने का टाइम होता है, क्योंकि अभी जैसा आप देखोगे तो माहौल काफ़ी अच्छा है, शांत माहौल है, तो बहुत अच्छा लगता है इन सारी जगहों पे घूमना। और इसी तरीके से मैं तो सवेरे का टाइम जो है इंजॉय करते रहता हूँ, काफ़ी सारे वीडियो आप देखे होंगे, तो मैं इसी किनारे जो है आना जाना ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। सो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।